हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। तो आज डेट है 24 दिसंबर, और आज का व्लॉग कल हम व्लॉग नहीं डाल पाए थे जो कि आज आना था। और आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग चालू की है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया था। और क्योंकि कल हो गई थी हमारी दोनों की तबीयत ख़राब, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की, और अब हम बेटर फील कर रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए कल हम व्लॉगिंग नहीं कर पाए। और अभी हम बैठे हुए हैं, हमारा नाश्ता हो चुका है। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके हैं, उन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। वैसे तो वो, मतलब मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि वो सो रहे हैं, लेकिन आज वो नहीं सो पाए। ड्यूटी गए थे लेकिन वो नहीं सो पाए क्योंकि कुछ शोर हो रहा था पीछे गली में, इस वजह से वो नहीं सो पाए। और अभी वो जाग रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड आपको डिटेल में बता देंगे कल हमारे साथ हुआ क्या था। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी वो गलती ना करें जो हमने की। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, दोनों छुट्टी पे हैं क्योंकि उनके पेपर हो चुके हैं फिनिश, तो आज उनकी छुट्टी है। कल भी छुट्टी रहेगी, संडे है, तो 2 दिन वो हैं घर पे सिर्फ। शायद उन्हें ट्यूशन जाना पड़ सकता है, ठीक, अच्छी बात है, थोड़ी देर ट्यूशन जाएंगे। और अभी हम बैठे हुए, हमारा सबका नाश्ता हो चुका है और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी हम बैठे हुए हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं अपने हस्बैंड से बात कराती हूँ आपकी, वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपना अमित। और हम सुबह ड्यूटी पे गए थे 3 बजे और अब लौट के आ चुके हैं। नाश्ता कर चुके हैं, चाय पी चुके हैं और सोने की तैयारी थी, बट नींद नहीं आई आज क्योंकि शोर शराबा सो रहा था। और आप मिस कर रहे होंगे कल का ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हम रात को जो आपको दिखाई थी हमने ब्लॉग में अंगीठी, उसको हम रूम में रख के सो गए थे, तो उसके कारण रूम में गैस बन गई थी जिसके कारण हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यानी कि ये लगा लो कि हम मर ही चुके थे तो बच गए भगवान की और आप सब की दया से। जैसे ही मैं सुबह 3 बजे उठा और तैयार हुआ ड्यूटी के लिए तो मुझे हल्का हल्का सा सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा चल वैसे ही हो रहा होगा, मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। तो वहाँ जाके जैसे ही मैंने अपनी गड्डी लोडिंग के लिए लगाई तो मेरा ऐसे हाल हो गया जैसे कि बीपी लो हो जाता है, ना तो खड़ा होया जा रहा था ना काम किया जा रहा था। बस ये है कि पेन ज़्यादा हो रहा था सर में और घबराहट हो रही थी, उल्टी लगने को हो रही थी। तो वहाँ से किसी से मैंने पूछा कि किसी पे दवाई है, मेडिसिन है कि भाई सर दर्द की तो मुझे मिल जाए, थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो जाए। तो एक फ्रेंड था, उसने बोला कि मैं देख लेता हूँ अपनी गड्डी में कि मेरे पास है या नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड से टैबलेट मांगी, उसने डोलो की टैबलेट थी वो खाई, तो उससे थोड़ा सा यानी कि 100 में से 5% रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद मैंने अपनी गड्डी लोडिंग करी और सप्लाई के लिए चला गया। तो राम राम से जाते जाते मेरे को कई बार उल्टी भी लगी और सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ना मेरे से गड्डी चलाई जा रही थी। फिर भी राम राम से रिलैक्स फील कर करके अपना काम फिनिश करा और घर पे आया। घर पे भी बहुत मुश्किल से आया, बस मेरे को यही हो रहा था कि मैं कैसे भी करके घर पहुंचूं। तो घर आया, घर आके मैं कपड़े कुपड़े चेंज किए और मैं जैसे ही पढ़ने लगा बेड पे तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ भी बेड पे पड़ी हुई है। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, कह रही मेरे सर में दर्द। तो फिर मुझे लगा कि अंगीठी के कारण ही हमारे साथ ये सब हुआ है। तो फिर उस दिन मेरे को कहीं काम भी जाना था तो वो भी नहीं जा पाया, मैं घर पे ही यानी कि दोनों जने हम बेड पे ही पड़े रहे, सारा दिन ऐसे निकल गया हमारा, ना हमने कुछ खाया ना पिया। सर बस ये था हो रहा था कि जैसे ही उठ रहे थे वैसे ही बेड पे दोबारा गिर रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना हम चाय पी ना पानी कुछ नहीं, बस ये हो रहा था कि बस सर घूम रहे। उस दिन हमने कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी गिट्टी हो, चूल्हा हो, कुछ भी हो, आग का मतलब जैसे आग सेकते हैं हम, कोई भी अपना रूम में ना रखे, और रखे तो लेकिन सेक के उसके बाद बाहर
रख दें उसको खुले में, और कुंडी ना बंद करें, क्योंकि उस दिन हमने यही गलती करी कि हमने सेका और सो गए और दरवाजा बंद कर दिया था। और जब शुक्र है भगवान का कि मेरे को ड्यूटी पे जाना होता 3 बजे, नहीं तो आप सबके सामने हम दोबारा नहीं होते, क्योंकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेडिसिन ले लेके हम अब रिलैक्स फील कर रहे हैं, अब हमारी तबीयत ओके है, तभी हम ब्लॉग ना। तो देखा आप सभी ने, मेरे हस्बैंड ने आप सभी को कुछ बताया तो हमारे साथ रियल में हुआ था, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोग ऐसा। दोस्तों आप अभी मेरे हस्बैंड ने आपको बता ही दिया होगा कि कल हमारे साथ क्या हो गया था, और तो लेकिन अब हमारी तबीयत बेटर है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी तबीयत या आप जान को खतरा हो सके। हमारे तो बाय चांस बाय मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उससे ऐसे क्या होता है, वो कार्बन हाइड्रेट गैस निकलती है जिससे कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और जो हमारे सर में चढ़ गई थी। सो प्लीज आप ऐसा कुछ ना करें कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, और अभी हम बेटर हैं, दोनों बेटर फील कर रहे हैं आज, इसलिए हमने व्लॉगिंग चालू की है। और कल मतलब सब जब जब भी किसी को पता लगा, मेरी फैमिली को या फिर इनकी फैमिली मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको पता लगा, तो सभी ने हमको फोन कर करके पूछा कि ऐसा कैसे क्या हो गया, लेकिन हम कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो प्लीज मतलब सब डांट रहे थे कि ऐसा कैसे, सभी को पता होता है ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी गलती थी। तो प्लीज आप ऐसा कुछ ना करें। और अभी भी हमारे अंगीठी बड़ी हुई है देखें, लेकिन अब हम इसे रूम में नहीं रखेंगे। और मम्मी पापा आज गए थे हॉस्पिटल, आज भी हॉस्पिटल गए थे, कल मोस नहाने गए थे मम्मी, तो जब मम्मी घर आई तो मम्मी ने हमारी तबीयत खराब देखी, तो वो थोड़ा आप समझ सकते हो। और उसके बाद अब बेटर है, दवाई पापा की लेने गए थे जो कि चली हुई है पापा की हॉस्पिटल में, और तो इसलिए अब वो दवाई लेके आ चुके हैं, और मम्मी और पापा बाहर बैठे हुए हैं, पापा भी खाना खा रहे हैं क्योंकि आज लेट हो गए थे, और हॉस्पिटल से आने के बाद इन्होंने चाय पी ली, चाय पीने के बाद अब इनका खाना खाने का मूड अब हुआ है 12 बजे, अब ये सुबह वाला खाना 12 बजे खा रहे हैं। और मम्मी बैठी हुई है, दीदी बैठी हुई है, बच्चे उठ गए, दक्ष दक्ष भी उठ चुका है, वो भी थोड़ा लेट उठा है आज, और आज सुबह उठे थे, मतलब वो थोड़े शरारती बच्चे हैं, वो भी उठ चुके हैं, और उनको आज ट्यूशन जाना है, स्कूल की है उनकी छुट्टी 2 दिनों की, मैंने आपको पहले बता दिया, कल वैसे संडे है और आज भी उनकी छुट्टी है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। और अभी हमने अब दोपहर के बज चुके हैं 2:30, और आज हमने बनाया नमकीन चावल, और लेकिन सुबह से मम्मी ने लगाई हुई थी मशीन, लेकिन हमारा पानी भाग गया था सुबह ही, जिसके बाद हमारे कपड़े नहीं धुले हैं आज, तो अब आने वाला है पानी, तब इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, अगर दोपहर तक आ गया तो ठीक है, नहीं शाम को धुलेंगे। और अभी सब अपनी मतलब खाना खा के बैठे हुए हैं, धूप अभी आई थी लेकिन अभी नीचे से धूप चली गई है। और आयुष आज गया हुआ है मामा के उधर, मतलब जो मम्मी के पास ही रहते हैं मामा, और तो वो उनके घर खेलने गया हुआ है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। और दक्ष गया हुआ ट्यूशन, मतलब अभी जाएगा खाना खा के ट्यूशन जाएगा, तो आपसे मिलते हैं बाद में, क्योंकि अभी हमें बनानी है चाय, क्योंकि हमारा लंच हो चुका है, तो अभी हमारा मूड है चाय पीने का, तो मिलते हैं। तो अब बज रहे हैं शाम के 5:30, और अभी पानी आने वाला है, आवाज़ आई है, मतलब मोटर चली है तो आवाज़ आई है, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अब होगी ये ठंड, मतलब धूप बिल्कुल ही जा चुकी है, थोड़ी बहुत ही पहले थी जब मैंने आपसे बात की तब यहाँ दीवार पर थी, पर अब बिल्कुल नहीं है। और अभी हम कर रहे हैं पानी का वेट, पानी आने वाला है थोड़ी देर में आ जाएगा। और पापा बैठे हुए अपने रूम में, दक्ष ट्यूशन से आके पार्क गया हुआ है जहाँ मैं आपको उस दिन लेके गई थी, और आयुष अपने रूम में बैठा है, वो अभी आया हुआ है, मामा के से आ गया है, वो खाना खा के बैठ गया है अपने रूम में, और हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं मोटर चलाने का, जस्ट 5 मिनट बाद मैं मोटर चला के देखूंगी कि पानी आ गया हो, और फिर धुलेंगे हमारे कपड़े। मैंने आपको कहा था कि और
बहुत से बता दूं कुछ नहीं, वो कुछ और बात थी, मैं आपको नहीं बताऊंगी। और अभी हम सिर्फ यहाँ पे वो कर रहे हैं क्योंकि पानी आ नहीं रहा है। और मेरे हस्बैंड अंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो टीवी देख रहे हैं। चुपचाप आपको मैं लेके चलती हूँ अंदर। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो टीवी देख रहे हैं। कौन सी फिल्म देख रहे हो? यूट्यूब तो ले रही चले गए। आगे अभी मन्यू क्योंकि मेरे हाथ ठंडे हैं, ये मेरे को हाथ नहीं लगाने देते क्योंकि मेरे हाथ ठंडे होते हैं, है ना जी। ये देखिए, दिख नहीं रहे थे आपको अच्छे से, अब दिख जाएंगे, ये देखना। हाय आई यूट्यूब स्माइल, आई फैमिली, स्माइल, आई स्माइल, आई स्माइल, हाय हाय। तो भाई सारा दिन पड़े रहो है। फिर काम पे जाते हैं सुबह, उसके बाद आना, रेस्ट करना। कोई नहीं, थोड़े दिनों का है, उसके बाद हमारी दुकान खुलेगी, फिर आपको ये दुकान में ही मिला करेंगे। जैसे परसों मिले थे ना, मतलब जो व्लॉग परसों आया होगा उसमें मिले होंगे। एक तारीख से और सो हेलो यूट्यूब फैमिली। और अब अभी इस टाइम है बाहर और रात बहुत ज़्यादा मतलब होने वाली है, मतलब अब बज रहे हैं 7। अभी डिनर बन रहा है, अभी हम खाना खाएंगे। सब अंदर है, भाई साहब भी आ चुके हैं और अभी हमारा डिनर नहीं हुआ है। मैं देखने आई हूँ, पूछने आई हूँ पापा जी से, मतलब उन्होंने दवाई ले ली है या नहीं ली है। तो अभी चलते हैं, पापा जी से मिलते हैं और दिखाते हैं आपको। वैसे लाइट ऑन है, देखते हैं। उठे हुए हैं पापा जी, ये देखिए सोने। जब पापा जी का डिनर हो चुका है, हमारा रह रहा है और पापा जी सोने की तैयारी में है। दवाई ले ली पापा आपने? ले ली पापा ने दवाई। और आज शर्मा भी सो चुका है, ये आज जल्दी सो गया। मतलब आज ये शायद, जब मैं आपको कह रही थी ना कि मामा के घर से आ गया, ये तभी सो गए थे। और अभी पापा देख रहे हैं टीवी, है ना पापा, मूवी देख रहे हैं पापा। और पापा ने बीड़ी का धुआं बहुत ज़्यादा कर रखा है रूम में जो कि मेरे को चढ़ता है। और ये देखिए, ये है पापा का रूम। ये पापा ने लाइट डेकोरेशन बहुत प्यारी कर रखी है। तो ठीक है पापा, सो जाओ, गुड नाइट पापा, बाय। तो अभी हम पापा को सोने देते हैं और चलते हैं अंदर। मैं एक बड़ी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर ये बाहर की तरफ है ना, तो ठंड हो जाती है। और चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर है ठंड, सभी अंदर बैठे हुए हैं, डिनर करने वाले हैं। और तो हम आपको मिलते हैं डिनर के बाद, तब तक आप भी डिनर कर लीजिए। अब हो गई है रात और हमारा डिनर हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी हम सोने की तैयारी है, बाहर सब बैठे हुए हैं, मतलब बातें कर रहे हैं। मतलब दीदी का फोन आया हुआ है, उनसे बात कर रहे हैं और वो भी अभी सोने वाले हैं। हमारे कान्हा जी भी सो चुके हैं और हम अभी सिर्फ सोने ही वाले हैं थोड़ी देर में। मैंने हमारा डिनर हो चुका है, आज हमने बनाई थी बंद गोभी वाली सब्जी और रोटी। हमने खाना खा लिया, सभी ने खा लिया, मतलब आज भाई साहब भी टाइम से आ गए थे, सबने मिलके खाना खाया आज। सो अभी हम सोते हैं, तो मैं आप सभी को याद दिलवा दूँ, कहीं आप सब भूल जाए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और शेयर किया कीजिए ताकि हमारी फैमिली में और भी जुड़ सकें, हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। और तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए, जो हमारे चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।